अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी सम्माननीय मेहमान डॉक्टर स्मिता लेले जी को, जो फॉर्मर डीन थे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी बॉम्बे। वे अपने विचार हमारे सामने रखेंगे। ओम शांति। हिंदी में मैं बोलने की कोशिश करूंगी, बट मे बी आई विल स्विच टू इंग्लिश। मराठी और हिंदी में बात करने की आदत नहीं है, मराठी और अंग्रेजी में है। सर्वप्रथम मैं सबको नमन करती हूँ कि जिन लोगों के मिलना भी मेरे लिए मुश्किल था, ऐसे दादियों के साथ मैं आज बैठी हूँ। मुझे बहुत भाग्यवान फील हो रहा है। एंड विदाउट टेकिंग मच टाइम, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर सम ऑफ माई थॉट्स ऑन स्पिरिचुअलिटी, ऑन स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च एंड मे बी अबाउट अवर लाइफ। ऑफकोर्स ऑल ऑफ अस नो दैट this body is me and I am not me, this body is mine but I am not body, etc., etc. It's very easy for all of us to understand the theory, but madam, many of us find it difficult to practice, because jab kuch ho jata hai to hum ye sab dhyan samanya log bhul jate hai, and so hamara jeevan to shuruaat body se hota hai, and keeping our body fit ye hamara pehla objective hota hai life mein। जहाँ मॉडर्न साइंस ने हमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी है, और जो इतना बड़ा ज्ञान दुनिया में है और पर्टिकुलरली हमारे कंट्री में है, उसका आज एक्सेस भी ये मॉडर्न साइंस ने दिया है। जैसे कि कुछ भी मुझे ढूंढना है अबाउट वेदा 50 इयर्स बैक, पता नहीं मैं कभी नहीं ढूंढ पाती, बट अभी गूगल चाचा है जो क्विकली मुझे बता देंगे। कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती है, बट कम से कम मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो एज अ मॉडर्न साइंटिस्ट आई रिस्पेक्ट द मॉडर्न साइंस, सो नोबडी शुड इंटरप्रेट दैट आई एम सेइंग इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इन दिस टॉक आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग व्हाट इज कॉमन एंड व्हाट इज नॉट कॉमन। सो द वर्ड विज्ञान मीन्स विशेष ज्ञान, और यहाँ हम ज्ञान के पीठ में विश्वविद्यालय में बैठे हैं, और जिन लोगों ने जो बी के परिवार के हैं वो कहते हैं वो ज्ञान में है, तो शायद वैज्ञानिक लोगों ने भी उनके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनको तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। तो फिजिक्स इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, वेयर एज मेटाफिजिक्स इज सब्जेक्टिव। तो ये जो हम ज्ञान की बात कर रहे हैं वो सब्जेक्टिव है, तो मॉडर्न साइंस कहता है प्रूफ दे दो, बट ऑफकोर्स वॉट इज रिसर्च, सर्च इट अगेन। सो हमारे ये देश में हजारों साल से ये पता था, लेकिन अभी हम भूल गए हैं। सो द यंगस्टर शुड ट्राई टू कनेक्ट द ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड एंड द मॉडर्न, एंड रिसर्च इट एंड री एस्टैब्लिश। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हम सब सारा योगदान कर रहे हैं। सो वन एग्जाम्पल आई कैन गिव इन नैनो टेक्नोलॉजी स्केल डाउन। सो एक सिल्वर लेके छोटे छोटे टुकड़े करो, गोल्ड लेके छोटे छोटे टुकड़े करो और नैनो गोल्ड बनाओ, और दूसरा खुद भी सिल्वर का सॉल्ट लेके प्रेसिपिटेट करो, दैट इज स्केल अप। एंड कोइंसिडेंटली अभी साइंटिस्ट ने ढूंढा है कि नैनो गोल्ड लाल रंग का हो सकता है, और यहां हम क्या देखते हैं, शिव बाबा का रंग गोल्डन एंड रेड। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर कमिंग क्लोजर। सो मॉडर्न साइंस टॉक्स एट द टॉप, बड़ा बिल्डिंग है और जहां मैं खड़ी हूं 1 2 3 एस्कावेट करके मैं काउंट डाउन कर रही हूं, बट एक्चुअली ओल्ड साइंस में कहते हैं कि अगर बिल्डिंग है तो उसको बुनियाद होगी, और वो बुनियाद शायद बहुत स्ट्रांग, इटर्नल, नॉट अफेक्टेड बाय टाइम स्पेस एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड देन एक लाइफ में तो मैं पूरा एक्सकवेशन नहीं कर सकती, तो क्यों ना मैं पिंडी तो ब्रह्मांडी, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट इन सोलर सिस्टम आई गो इन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दैट्स वेयर, एंड देन इन बायोटेक्नोलॉजी यू सी दैट वॉट एवर इज देयर इन ई कोलाय आई कैन डू दैट एंड पुट इट इन ह्यूमन बॉडी। सो दिस इज नथिंग बट पिंडी ते ब्रह्मांडी।
then why we want it to import and get endorsed in other countries and then follow? Let's trust our own heritage to start with. So I studied all this when I was doing PhD, because I found PhD is doctor of philosophy. तो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं तो फिलोसॉफी की डॉक्टर होती है, तो शायद फिलोसॉफी इज नथिंग बट लाइफ का साइंस है, एंड आई मस्ट एड इट. सो वेरी रिसेंटली व्हेन आई वाज थिंकिंग, आई फाउंड दैट सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा आर फोर स्टेट्स. तो सॉलिड के अंदर, जमीन के अंदर पूरा विश्व है, कि कई सारे कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया है. लिक्विड यानी कि वॉटर के अंदर बहुत ज्यादा है, इंक्लूडिंग प्लांट्स, फिश एंड सो मेनी वराइटीज आर देयर. एयर के अंदर हम सब है. तो शायद आज साइंस को कोशिश करनी होगी कि प्लाज्मा के अंदर क्या है, एंड बाय लॉजिक इट विल रीच टू नथिंग बट देवता. जो यहां हमें सिखाया जा रहा है दैट प्रिपेयर योर सेल्फ टू बी इन दैट फॉर्मेट ऑफ द वर्ल्ड विच इज नथिंग बट हार्मनी एंड हैप्पीनेस. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इन माई ओन लाइफ अगर ये प्लाज्मा वाला फाइंड आउट कर सके, रिसर्च करके ये नए बच्चे, तो आई थिंक आई विल बी वेरी लकी. नाउ व्हेन यू से साइंस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. बट बायोलॉजी में टाइम लगता है, पौधा बढ़ने में, बॉडी बढ़ने में. फिजिक्स थोड़ा फास्ट होता है, केमिस्ट्री उससे फास्ट होता है, बट कैन समथिंग बी फास्टर? सो कॉस्मिक थिंग्स, न्यूक्लियर थिंग्स, इलेक्ट्रिक थिंग्स, मैग्नेटिक थिंग्स कैन बी फास्टर. And I think spirituality is talking of this level, whereas rest of the science is talking of only physics, chemistry and biology. So that's where that balance needs to be brought. One simple story I am telling for the small kids who are here, which I read as a child, कि एक बड़ा भक्त था, लेकिन बाढ़ आ गया और डूबने लगा. होड़ी आई, फिर एक कुछ लकड़ी आई, कुछ volunteers आए, तीन बार उसको मदद की कोशिश की, मदद नहीं की. मेरा भगवान मुझे बचाएगा, मेरा भगवान, तो डूब के मर गया. जब भगवान को मिला तो बोला कि क्यों मुझे नहीं बचाया? वो बोला, अरे तुम्हारे पास बॉडी है, मेरे पास बॉडी नहीं, तो मैंने बॉडी भेज दी ना बचाने के लिए. तो यहाँ आके मैंने देखा कि हमारे वो ब्रह्मा बाबा यही काम कर रहे हैं कि हम सब बच्चों को राइट लाइन पे ला रहे हैं. For scientists, I want to tell partial truth is misleading. So generally, most of us believe in equality, socialism, communism, which is true. But I am a chemical engineer, so I believe in difference, because if there is no driving force, there is no flow, there is no electricity, no water flow, nothing like that. So not always first in first out सही नहीं है. जब हम सर्दी में जाते हैं, बहुत सारी सर्दी में माइनस में तीन चार लेयर्स डालते हैं थर्मल से लेके, लास्ट में ओवरकोट डालते हैं. लोग हमें ओवरकोट से पहचानते हैं. यही पंचमहाभूत एंड पंचकोश का कॉन्सेप्ट शायद होगा. तो पहले हम क्या निकालते हैं? ओवरकोट. वी कैन नॉट से कि ऐसे कैसे, ये तो लास्ट में डाला, ये कैसे फर्स्ट में निकालता है? तो ऐसे नहीं. देर आर सम प्रोसेसेस वेयर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लाइक अ पाइपलाइन, बट देर आर मेनी प्रोसेसेस इन द नेचर वेयर फर्स्ट इन इज लास्ट आउट. सो इफ आवर साइंटिस्ट कीप एन ओपन माइंड, मॉडर्न साइंटिस्ट, एंड दे बो इन फ्रंट ऑफ टोटैलिटी, विच आई हेल्प मी, कि मैंने मेरा काम कर दिया है, एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे हैं, मुझे डिप्रेशन आ रहा है, पीएचडी नहीं आ रहा है, बट मुझे कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है दैट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज वॉट सम पीपल कॉल इट गॉड, सम पीपल कॉल इट लक, सम पीपल कॉल इट वॉट एवर नेम यू गिव, बट ह्यूमन बींग्स आर वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ द नेचर. अभी सुनामी आया, कोरोना आया, सबको हमको अंदर बिठा है, सब जानवर इधर घूम रहे थे. कल मैं आबू ऊपर गई तो मुझे बोल रहे थे. सो आई विल जस्ट से दैट यंगस्टर्स, प्लीज कीप योर माइंड पॉजिटिव, बिकॉज लाइट हैज प्रेजेंस, डार्कनेस इज अ कंडीशन. नॉलेज का बुक दिखा सकती हूँ किसी भी सब्जेक्ट का, इग्नोरेंस का बुक नहीं है. वेल्थ दिखा सकती हूँ, पॉवर्टी इज कंडीशन. सो ऑल दोज निगेटिव, सॉरी फॉर द टॉक्सिकोलॉजिस्ट एंड स्कॉर्पियो एक्सपर्ट्स, बट आई वर्क इन फूड, सो वी आर टॉकिंग ऑन द पॉजिटिव थिंग, कि अच्छा खाना खाओ, अच्छे विचार करो, ताकि आपको बीमारी ना आए, ना बॉडी की, ना माइंड की, ना इंटेलेक्ट की. स्पिरिट तो बीमार पड़ ही नहीं सकता. थैंक यू वेरी मच. बहुत ही खुशी और उमंग के साथ डॉक्टर स्मिता जी ने अपने विचार हम सबके सामने रखे. प्रैक्टिकली भी रिसर्च वर्क के साथ साथ समाज में, महिलाओं में,
विज्ञान का अभिगम विकसित और टीचर्स के जीवन में भी आपने बहुत सहयोग दे करके आगे लाया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्मिता बहन जी।